नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले के बारे में डिस्कस करेंगे। जो कॉन्वेंशनल सिस्टम है, और जो कॉन्वेंशनल सिस्टम में जो तीन कॉइल रहता है उसको रिप्लेस करके कैसे न्यूमेरिकल रिले में दो बाइनरी इनपुट को कॉन्फिगर करके हम ट्रिप सर्किट सुपरविजन किया जा सकता है, और वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो कॉन्वेंशनल सिस्टम में ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले के तीन कॉइल रहता है, ए कॉइल, बी कॉइल और सी कॉइल। अगर ए और बी कॉइल में कोई भी कॉइल एनर्जाइज होगा तो सी कॉइल एनर्जाइज होगा। सी कॉइल एनर्जाइज होने के वजह से जो लोअर पोर्शन में जो डायग्राम है वो है ट्रिप सर्किट हेल्दी का इंडिकेशन लैंप है। सो नॉर्मली दो ट्रिप कॉइल रहता है सर्किट ब्रेकर में। सो दोनों ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले के लिए दोनों रिले यूज़ किया जाता है कॉन्वेंशनल सिस्टम में। सो यहाँ पे 195 करके एक रिले का तीन कॉइल शो किया गया है, मतलब ये है एक ट्रिप सर्किट के लिए, और एक ट्रिप सर्किट के लिए जो सर्किट होगा वो 295 करके शो किया जाएगा। सो अब देख सकते हैं प्री क्लोज, प्री क्लोज मतलब बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर। बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर जो सुपरविजन होता है वो ए और बी कॉइल दोनों इसमें काम करता है। सो बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर जो सुपरविजन जो सर्किट है वो ए और बी कॉइल दोनों ऑपरेट करके रहेगा। इसके वजह से जो ए और बी कॉन्टैक्ट जो है वो ऑपरेट करेगा, और इसके वजह से सी कॉइल ऑपरेट करके रहेगा। और पैनल में कंट्रोल ऑन रिले पैनल में जो पुश बटन है रहता है, पुश बटन को हम प्रेस करेंगे तो जो इंडिकेशन लैंप है वो ट्रिप सर्किट हेल्दी शो करेगा। पोस्ट क्लोज सुपरविजन, पोस्ट क्लोज सुपरविजन मतलब आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर। सो सर्किट ब्रेकर क्लोज होने के बाद जो सर्किट ब्रेकर का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। उसका जो पोजीशन है वो राइट साइड में शो किया गया है। जो ऑक्सिलरी एनो कॉन्टैक्ट है वो एन सी पोजिशन में आ जाएगा, और जो ऑक्सिलरी एन सी कॉन्टैक्ट है वो एनो पोजिशन में आ जाएगा। इसके वजह से जो सुपरविजन है वो ए कॉइल के द्वारा होगा। तो ट्रिप सर्किट का जो सुपरविजन है वो ए कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा। इसके वजह से जो ए कॉइल का जो कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट मेक करेगा। मेक करने के वजह से जो सी कॉइल है, सी कॉइल एनर्जाइज होगा। इसके वजह से अगर पुश बटन हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एंड रिले पैनल में तो ट्रिप सर्किट हेल्दी इंडिकेशन वो पैनल में शो करेगा। सो कॉन्वेंशनल सिस्टम में तीन कॉइल रहता था। वो तीन कॉइल का जो ए और बी कॉइल है, वो बी ए और बी कॉइल का जो रिप्लेसमेंट है वो न्यूमेरिकल रिले का दो ऑप्टो इनपुट, न्यूमेरिकल रिले का दो ऑप्टो इनपुट से हम ट्रिप सर्किट को कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और सुपरविजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए कॉइल का रिप्लेसमेंट में न्यूमेरिकल रिले का एक ऑप्टो इनपुट लिया गया है। अगेन जो बी कॉइल का जो रिप्लेसमेंट है वहाँ पे अगेन ऑप्टो इनपुट टू लिया गया है। तो प्री क्लोज मतलब बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर ऑप्टो इनपुट वन एंड ऑप्टो इनपुट टू दोनों हाई होगा। सो दोनों हाई होने के वजह से जो रिले में जो लॉजिक सर्किट है, और लॉजिक मतलब अगर ऑप्टो इनपुट वन और ऑप्टो इनपुट टू, इन दोनों ऑप्टो इनपुट में कोई भी ऑप्टो इनपुट एनर्जाइज होगा और दोनों ऑप्टो इनपुट हाई होगा तो उसका जो आउटपुट है आउटपुट हाई होगा। आउटपुट मतलब ट्रिप सर्किट हेल्दी। इस ट्रिप सर्किट हेल्दी आउटपुट लॉजिक से हम एक कॉन्टैक्ट को कॉन्फिगर कर सकते हैं। उस कॉन्टैक्ट को हम जो सी कॉइल का जो कॉन्टैक्ट है, सी कॉइल का कॉन्टैक्ट से हम रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट क्लोज सुपरविजन में ब्रेकर जो ऑन है, ब्रेकर ऑन होने के वजह से जो राइट साइड में जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। इसी के वजह से जो ट्रिप सर्किट का जो सुपरविजन है वो सुपरविजन ऑप्टो इनपुट वन से हो जाएगा। अर्लियर ओनली ए कॉइल से होता था। सो ए कॉइल का जो रिप्लेसमेंट है ऑप्टो इनपुट वन है। सो इसके वजह से ऑप्टो इनपुट वन हाई होगा। ऑप्टो इनपुट वन हाई होने के वजह से जो रिले के अंदर जो लॉजिक है
और लॉजिक है, और लॉजिक में ऑक्टो इनपुट वन हाई होने से ट्रिप सर्किट का जो हेल्दी स्टेटस है वो हेल्दी स्टेटस हाई हो जाएगा। सो हेल्दी स्टेटस से हम एक रिले आउटपुट कॉन्टैक्ट कॉन्फिगर कर सकते हैं, और रिले आउटपुट कॉन्टैक्ट जो सी कॉइल का जो कॉन्टैक्ट है उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अगेन ऑप्टो इनपुट वन और ऑप्टो इनपुट दो के सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो ऑप्टो इनपुट होता है रिले में न्यूमेरिकल रिले का, वो हाई इम्पीडेंस ऑप्टो इनपुट नहीं होता है। इसके वजह से ट्रिप कॉइल को सेफगार्ड देने के लिए एक रेजिस्टेंस आर वन ऑप्टो इनपुट वन के सीरीज में और एक रेजिस्टेंस आर टू ऑप्टो इनपुट टू के सीरीज में इंसर्ट किया जाता है। सो इस डायग्राम में वो शो किया गया है। सो यह पे जो आर वन और आर टू का जो कॉन्टैक्ट है वो न्यूमेरिकल रिले का दो आउटपुट कॉन्टैक्ट है, वन फॉर ट्रिप सर्किट वन हेल्दी एंड अनदर फॉर ट्रिप सर्किट टू हेल्दी। अगर ट्रिप सर्किट वन हेल्दी होगा तो ये आर वन का कॉन्टैक्ट मेक करके रहेगा, और अगर ट्रिप सर्किट टू हेल्दी होगा तो आर टू का कॉन्टैक्ट मेक करके रहेगा। अगर पुश बटन हम प्रेस करेंगे तो जो हेल्दी स्टेटस का जो लैम्प है वो कंट्रोल एंड रिले पैनल में ग्लो करेगा। सो वन ट्रिप सर्किट सुपरविजन के लिए दो ऑप्टो इनपुट और वन आउट कॉन्टैक्ट चाहिए न्यूमेरिकल रिले के लिए। अगेन दो ट्रिप कॉइल का जो सुपरविजन है उसके लिए चार ऑप्टो इनपुट एंड दो आउटपुट कॉन्टैक्ट न्यूमेरिकल रिले के लिए चाहिए। सो आप देख सकते हैं कैसे न्यूमेरिकल रिले में विदाउट यूज ऑफ अनदर ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले हम ऑप्टो इनपुट और आउटपुट कॉन्टैक्ट के द्वारा ट्रिप सर्किट सुपरविजन को मॉनिटर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ वीडियोज अपलोडेड इन फ्यूचर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।